दोस्तों, वर्तमान समय में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनाव को लेकर एक दूसरे से संघर्ष चल रहा है। दोनों पार्टियां जी तोड़कर मेहनत कर रही है। 138 साल पहले देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का जन्म हुआ था। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक अंग्रेज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम को जाता है। स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड अधिकारी ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑक्टेवियन ह्यूम को उनके जीते जी कभी कांग्रेस के संस्थापक होने का दर्जा नहीं मिला। उनकी मौत के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया था। अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना क्यों की थी, इसका किस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज नहीं चाहते थे कि फिर कभी ऐसे हालात बने, इसलिए उन्होंने एक ऐसा मंच बनाने की सोची जहां हिंदुस्तानी लोग अपने मन की बात रख सके और अपना विरोध भी जता सके। इस मंच का मकसद पढ़े लिखे भारतीयों के बीच सरकार की पकड़ बढ़ाना था, जिससे ब्रिटिश राज और उनके बीच नागरिक और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हो सके। इसके लिए एक अंग्रेज अफसर ऑक्टेवियन ह्यूम को चुना गया। कांग्रेस पार्टी की स्थापना भले ही एक अंग्रेज ने की थी, लेकिन इसके अध्यक्ष भारतीय ही थे। पार्टी के पहले अध्यक्ष कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पार्टी का पहला अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन उस वक्त वहाँ हैजा फैला हुआ था, इस वजह से इसे बम्बई में किया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार के लगातार विरोध के कारण कांग्रेस की मांगें और अधिक उग्र हो गई। इसे देखते हुए पार्टी ने भारत की आजादी के आंदोलन का समर्थन करने का फैसला किया, जिससे उभरने वाले नए राजनीतिक सिस्टम में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बन सकती थी। 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ और इससे ही कांग्रेस को नई पहचान मिली। कांग्रेस ने बंटवारे का खुलकर विरोध किया और अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू ही किए थे और इससे फूट पड़ गई। कांग्रेस में दो गुट बन गए, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। गरम दल चाहता था कि आंदोलन बंगाल तक ही सीमित न रखा जाए, जबकि नरम दल खुलकर अंग्रेजों की बगावत करने के खिलाफ था। वहीं मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। 1919 में असहयोग आंदोलन से गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया। उसके बाद तो कांग्रेस के तरीके ही बदल गए और पार्टी का मतलब ही महात्मा गांधी हो गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाने के लिए कई अहिंसक आंदोलन किए। गांधी जी के आंदोलन दुनिया में अपनी तरह के पहले ऐसे आंदोलन थे जिसमें किसी हुकूमत के खिलाफ अहिंसक तरीके से लड़ाई लड़ी गई। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलनों का हिस्सा रही, जिनमें सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन था। आजादी से पहले कांग्रेस की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय पार्टी के 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य थे और 7 करोड़ से ज्यादा समर्थक। कांग्रेस ने देश को 6 प्रधानमंत्री दिए हैं। इनमें जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक और मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 136 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के अब तक 80 से ज्यादा अध्यक्ष रह चुके हैं और इनमें से 18 अध्यक्ष आजादी के बाद बने हैं। आजादी के बाद इन 73 सालों में से 38 साल नेहरू गांधी परिवार ही पार्टी का अध्यक्ष रहा, जबकि 35 साल गैर नेहरू गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली।